हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास। आज का हमारा चैप्टर है अनुपात और समानुपात। सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात क्या होता है, शुरू करते हैं। दो सजातीय राशियां मतलब एक समान राशियां, अगर हम एक बात कर रहे हैं मीटर में तो दूसरा भी जो राशि होगी वो मीटर में होगी। तो अगर एक मीटर में है तो दूसरी मीटर में हो, एक सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में हो, एक किलोमीटर में है दूसरी किलोमीटर में हो, एक रुपए में है तो दूसरी रुपए में हो, एक लीटर में हो तो दूसरी लीटर में हो। तो इसी को बोलते हैं सजातीय राशियां। तो दो सजातीय राशियां के संबंध को इस प्रकार प्रकट किया जाए, मतलब दो राशियों के बीच में ऐसा संबंध प्रकट किया जाए कि एक राशि दूसरे से कितनी गुनी है, यानी एक राशि दूसरे से कितनी गुनी है, या एक राशि का दूसरे यानी एक राशि दूसरे का कौन सा भाग है, कौन सा प्रतिशत है, कौन सा भाग है, कौन सा अनुपात है। तो इस संबंध को अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। मान लेते हैं कि एक है राम, एक है श्याम। श्याम के पास मैंने कहा कि 10 नोटबुक है और श्याम के पास मैंने कहा 15 नोटबुक है। तो इन दोनों में मैंने किसका संबंध बताया, कॉपियों का, नोटबुक का। तो दो राशियों के बीच यानी दो राशियों के बीच तो राम और श्याम के बीच में जो कॉपियों का अनुपात होगा वो कहलाएगा कि राम के पास 10 और श्याम के पास 15। इसको अगर हम काटें तो 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी। तो 5 × 10 = 15, तो 2:3। तो 2:3 के रेशियो में कॉपी उपलब्ध है राम और श्याम के पास। तो टोटल मान लो अगर 5 किताबें हैं, 2 × 3 = 5, तो 5 में से 2 किताबें या 2 नोटबुक राम के पास है और 3 जो है वो श्याम के पास है। तो टोटल 5 में से 2 हिस्सा राम का, 3 हिस्सा श्याम का। अगर हम इसका प्रतिशत निकालना चाहें तो 2/3 नहीं करते बल्कि 2/3 × 5 करते हैं। तो 2/5 × 100 ऐसी 3/5 × 100, तो ये हो जाएगा 200/5, ये हो जाएगा 300/5, ये जो कट जाएगा तो हो जाएगा 40% और ये जो कट जाएगा 60%। तो राम और श्याम के पास जो कॉपियों का अनुपात है वो हो कहलाएगा 40:60। तो एक राशि दूसरे का कौन सा भाग है तो ये पता चलता है। तो 5 में से 2 भाग राम का है, 3 भाग श्याम का है और दोनों के पास जो कॉपियों का अनुपात है वो 2:3 है। और क्योंकि ये भी कॉपी, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, इन्हीं को बोलते हैं समजातीय या सजातीय राशियां। तो अनुपात इतना ही होता है, कुछ ज्यादा नहीं। इस संबंध को अनुपात कहते हैं। तो यानी हमने कोई संख्या जिसकी तुलना करना चाहते हैं, सिर्फ 2 संख्या, तो उसको बोलते हैं अनुपात। आगे हमें यह पढ़ना होता है कि जो अनुपात होता है उस अनुपात को ऐसे 2 बिंदु से दिखाया जाता है। तो जैसे मुझे लिखना था 2:3, तो 2 ऐसे 2:3, ठीक है, तो 2:3 ऐसे लिखते हैं। तो अनुपात को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे 8 मीटर और 9 मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। बच्चों को कंफ्यूज क्या किया जाता है, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, बच्चे उसका अनुपात कर लेते हैं तो जो कि गलत हो जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है हर प्रश्न में कि अगर इधर जो मीटर है तो इधर भी मीटर हो, अगर इधर जो है इधर भी वही हो, ठीक है। तो 8 मीटर का 9 मीटर के अनुपात को 8:9 या 8/9 लिखते हैं। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि पर्सन में ही कह देगा कि इतने सेब इतने संतरे का अनुपात, तो वो चीजें भी वो गिनती में चलेंगे इकाई में। ये नहीं कि ये सेब है तो ये भी सेब हो, ठीक है, वो भी ठीक होता है। अगर दोनों जैसे हैं वैसे ही हो तो ठीक होता है। बाद हम पढ़ेंगे समानुपात।
ठीक है। समानुपात, इसको कई जने समानुपाती भी बोल देते हैं, ठीक है, समानुपात या समानुपाती, इसको अनुकर्मानुपाती भी बोल देते हैं, अनुकर्मानुपाती, ठीक है। तो क्या होता है समानुपाती या समानुपात या अनुकर्मानुपाती, तो इसको कहा जाता है प्रोपोर्शन, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है कि जब दो अनुपात समान हो तो उसी अनुपात को समानुपाती कहते हैं। तो जब दो अनुपात बराबर हो या समान हो, जब दो अनुपात बराबर हो या समान हो तो अनुपात की यह समानता समानुपाती कहलाती है। तो इसको हम कैसे करेंगे आगे, कि इसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे दो अनुपात दे देगा, जैसे 2:5, तो कहेगा कि यह अनुपात बिल्कुल बराबर है 6:15 के। तो हम इसी को 2:5, फिर हम ऐसे 4 बिंदु लिखते हैं इस बराबर की जगह, और 6:15, ये दोनों का अनुपात बराबर कहलाता है। इसी को किताबों में यूं लिखते हैं, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ठीक है। इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो भी ऊपर मैंने लिखा था ना, ये 8/5, ऊपर वाले को कहा जाता है अंश, नीचे वाले को हर, तो वो भिन्न के लिए होता है। तो अनुपात में ऊपर वाले को कहेंगे पूर्व पद, यानी इंग्लिश में कहते हैं एंटीसीडेंट, और नीचे वाले को कहा जाता है अंतिम पद, और इसको कहा जाता है कंसीक्वेंट, ठीक है। तो ऊपर वाले को एंटीसीडेंट, नीचे वाले को कंसीक्वेंट, तो हो गया 2:5। इसको अब आप काटोगे तो ये भी वही मिलेगा, 2 से काटो 3 से 3 दो नीचे 3 5 15, तो ये दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो इतनी चीज सीखने के बाद अभी हमने यही जाना कि जो समानुपात होता है उसका मतलब होता है कि दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। समानुपात को हम यूं लिखते हैं, ये जो बाहर वाला है ना ए और डी, तो बाहर वाले ए और डी को क्या कहते हैं, तो बाहर वाले ए और डी को कहते हैं बाहरी राशियां या बाहरी टर्म, ठीक है, एक्सटीरियर टर्म। और जो ये अंदर की ओर लिखे हुए हैं बी और सी, इसको कहा जाता है माध्यमिक राशियां। तो माध्यमिक राशियां अंदर वाले को, बाहरी राशियां बाहर वाले को कहा जाता है, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूं कि आप सीख रहे होंगे, ठीक है। तो ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, तो ये जो बाहर वाला है ना ए और बी, इसको कहते हैं बाहरी राशियां, ठीक है, बाहरी राशियां। और जो अंदर वाला होता है, ये जो बी सी है, इसको बोलते हैं माध्यमिक राशियां। ये सब क्यों बताया, क्योंकि जो बाहर वाले को अगर गुना कर दोगे ए को डी से, तो बाहर वाले का जो गुना होगा वो बराबर होता है अंदर वाले बी और सी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर होता है माध्यमिक राशियों का गुणनफल, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ना पड़ता है, जैसे मध्यानुपाती, ठीक है। तो एक होता है मध्यानुपाती, तो क्या पढ़ते हैं मध्यानुपाती में, इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हमें कोई दो संख्या दे देगा,
ए तथा बी, तो ए तथा बी का कह देगा मध्यानुपाती बताओ, मध्यानुपाती, तो ए और बी का मध्यानुपाती निकालो, मध्य समानुपाती भी बोल देते हैं इसको, मध्य समानुपाती, ठीक है, इंग्लिश में बोल देते हैं मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं कि ए अनुपात एक्स बराबर रख देते हैं एक्स अनुपात बी, तो यानी ए बटा एक्स इसको लिखते हैं ए बटा एक्स बराबर इसको लिखते हैं एक्स बटा बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ए वाला बी से गुना जाएगा एक्स वाला एक्स से, तो एक्स गुना एक्स बराबर ए बी, एक्स से गुना होगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। अब एक्स निकालने के लिए स्क्वायर हो जाके अंडर रूट चढ़ जाएगा ए बी, तो यही जो अंडर रूट ए बी होता है इसी बोलते हैं मध्यानुपाती। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी, ठीक है, करणी ए बी, ऐसी एक होता है मध्यानुपाती, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी एक होता है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, ठीक है, तो तृतीयानुपाती इसको बोलते हैं, तृतीयानुपाती को थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो तृतीयानुपाती क्या होता है कि बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, तो ए और बी का कोई पूछे तृतीयानुपाती तो वो आता है कितना, बी स्क्वायर अपॉन ए। कैसे आया होगा ये, तो ए अनुपात बी अनुपात एक्स, तो बाहर वाले का गुणनफल ए गुना एक्स बराबर होता है अंदर वाले गुणनफल बी गुना बी, तो ए गुना एक्स बराबर बी भी सेम होने पे बी स्क्वायर, तो एक्स के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, तो यही यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया आपका तृतीयानुपाती। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक और पढ़ना है आपको चतुर्थानुपाती, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, बहुत ईजी होता है वो भी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, चतुर्थानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती, तो इसमें क्या पढ़ना होता है कि इसके अंदर हमें चौथा अनुपात निकालना होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि हमें तीन अनुपात दिया रहेगा, जैसे ए अनुपात बी और एक सी, तीन दिया रहेगा और हमें चौथा मान लो एक्स निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले गुना करेंगे, तो ए गुना एक्स बराबर जाएगा ये अंदर वाला बी गुना सी, तो एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बना, बी गुना सी बटे ए, तो इसी को बोलते हैं चतुर्थानुपाती, ठीक है। अब इसका इंग्लिश में मुझे नाम नहीं पता है, तो इसको आप चेक कर लेना, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। आगे क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हमें पढ़ना होता है जो मिश्र अनुपात, ठीक है, मिश्र अनुपात, ठीक है, तो मिश्र अनुपात इसमें क्या होता है कि हमें दे देगा कि जैसे ए अनुपात बी, ठीक है, और एक दे देगा जैसे सी अनुपात डी, तो इन दोनों का कहेगा कि मिश्र अनुपात निकालो, तो हम क्या करेंगे, जैसे ए बटा बी और ये दे देगा सी बटा डी, तो हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात में क्या होता है कि ये ऊपर वाला ऊपर से गुना जाता है, तो ए गुना सी और अनुपात बी गुना डी, तो यानी बी गुना डी, तो ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पहला वाला इस पहले वाले से और ये नीचे वाला इस नीचे वाले से, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ए सी अपॉन बी डी, तो इसी को बोलते हैं मिश्र अनुपात, ठीक है। उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे, एक होता है जटिल अनुपात, मिश्र अनुपात और एक जटिल अनुपात, तो जटिल अनुपात को कहते हैं कंपाउंड रेशियो। इसमें क्या होता है कि तुम्हें जैसे एक दे देगा ए अनुपात बी, एक सी अनुपात डी, एक ई अनुपात एफ, तो हमें इसका जटिल अनुपात निकालना है या फिर इन सबका इकट्ठा अनुपात निकालना है, ये अलग अलग है, ए अनुपात बी,
बी अनुपात सी, ए अनुपात एफ। तो इसको निकालने के लिए हम ऊपर वाले गुना कर देंगे, तो ए गुना सी गुना ई, और फिर ये बाद वाले बी गुना डी गुना एफ, तो बी गुना डी गुना एफ, इसे बोलते हैं जटिल अनुपात, ठीक है, या फिर कंपाउंड रेशियो। उसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है आपको द्विघाती अनुपात। द्विघाती अनुपात ये तो कोई हिंदी वाला बच्चा समझ जाएगा, और डुप्लीकेट रेशियो। तो प्रश्न में कहेगा कि जैसे ए अनुपात में बी है, तो इसका द्विघाती अनुपात बताओ, तो इसका द्विघाती अनुपात क्या हो जाएगा कि ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, और वही अनुपात और ये बी का स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक चीज और पढ़ना होता है, तथा ए अनुपात में बी का अगर सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए, तो यही जो स्क्वायर था इनको हम अंडर रूट में चढ़ा देंगे, ठीक है। फिर ऐसे एक होता है त्रिघाती अनुपात, इसको बोला जाता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या होता है कि ए अनुपात में बी दे देगा और कहेगा कि इसका त्रिघाती अनुपात ज्ञात करो। तो जैसे आप पावर स्क्वायर चढ़ गया था, तो ए की ओर बी की हो जाएगा, ठीक है। ऐसी अगर ए और बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जाए, तो ये भी अंडर रूट में हो जाएंगे अब, लेकिन ये क्यूब में हो जाएंगे, क्यूब अंडर रूट, तो यानी ये तीन तीन में हो जाएगा। ये तो स्क्वायर था, तो यहाँ स्क्वायर के लिए दो लिखते नहीं है, ये ऑटोमेटिक हम समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिप्लीकेट में हमें यहाँ पे तीन लिखना पड़ता है छोटा छोटा, ठीक है, और इससे आधे से भी कम साइज में, ठीक है, ये होता है। तो हमें अभी इतना चीजें जान ली है। एक होता है विलोमानुपात, ठीक है, विलोमानुपात इसे बोलते हैं इनवर्स, ठीक है, इनवर्स, या फिर इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। तो रेसिप्रोकल रेशियो में क्या होता है कि जैसे हमें ए अनुपात में बी दे देगा और कहेगा ना इसका विलोमानुपात निकालो, तो विलोमानुपात में क्या होगा, इसका उल्टा 1/a और इसका उल्टा 1/b हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये पलट जाएगा, तो इसको बोलते हैं विलोमानुपात, ठीक है। इसके अलावा अभी इसमें बहुत सारी चीजें होती है सीखने को, ठीक है, तो इतनी चीजें आप जरूर रिवाइज करें। इसके अलावा एक समानुपाती से सही परिचय होना चाहिए और एक विलोमानुपाती इससे सही परिचय होना चाहिए। समानुपाती या अनुकर्मानुपाती, और विलोमानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती, ये आपको बहुत परेशान करते हैं परीक्षा में। समानुपाती में क्या होता है कि कोई एक मद होगी वो अगर बढ़ेगी तो जो दूसरी मद होगी, ठीक है, वो भी बढ़ेगी। अगर पहली मद बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, और अगर पहली मद घटेगी तो दूसरी घटेगी, तो दोनों में धनात्मक दिशा में परिवर्तन है, तो इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुपात। समानुपात को प्रत्यक्ष अनुपात भी बोलते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष अनुपात या विलोम अनुपात या व्युत्क्रम अनुपाती, इसमें क्या होता है एक अनुपात बढ़ता है या एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि बढ़ती नहीं है, घटती है, उल्टा होता है इसमें, और अगर ये घटती है तो वो बढ़ती है। ऐसा कब होता है, जैसे मान लो 10 आदमी है तो कोई दीवार 10 दिन में बनाते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने 20 आदमी लगा दिया तो वो कम समय में बना देंगे, 5 दिन में दीवार बना देंगे, तो इसमें आदमी बढ़ गया लेकिन दिन क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ आदमी बढ़ गया कि पहले 10 आदमी 10 दिन में काम कर देते थे, अगर हम 20 आदमी लगा दें तो अब 10 दिन में काम नहीं होगा बल्कि कम ही दिनों में, 5 दिनों में हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती या विलोम अनुपात, और ऊपर होता है समानुपात प्रत्यक्ष अनुपात, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें इनका काफी हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें क्या होता है कि तुम्हें ना जैसे ए अनुपात बी सी अनुपात डी दे देगा, यानी ए अपॉन में बी बराबर सी अपॉन डी दे देगा,
तो कंपोनेंट डिविडेंड में क्या होता है कि ये दोनों को एक बार ऐड और इन दोनों को एक बार माइनस कर दें, और ऐसे ऊपर वालों को भी ऐड और एक बार माइनस कर दें, तो इनका जो अनुपात होता है ना वो बराबर रहता है। इसी को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। कुछ क्वेश्चनों को इसी तरीके से हल किया जाता है, ठीक है। ऐसे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी, तो हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि बी अनुपात ए बराबर होता है डी अनुपात सी, ठीक है। एक होता है इनवर्टेंडो, ठीक है, यानी व्युत्क्रमानुपात। इसमें क्या होता है कि जैसे ए बटा बी बराबर सी बटा डी है, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, बी बटा ए बराबर डी बटा सी, जो कि मैं अभी बता रहा था। इसी को बोलते हैं इनवर्टेंडो, यानी व्युत्क्रमानुपात। तो अनुपात के दो पदों को एक ही संख्या से गुना या भाग करने पर ये अनुपात बदलते नहीं है। जैसे 2/3 है, तो ऊपर नीचे अगर हम 5-5 गुना कर दें तो ये अनुपात बदला नहीं है, अभी भी ये अनुपात 2/3 ही है। चाहे हम कोई दो संख्या को भाग कर दें, मान लो इसी को दोबारा हम 5-5 से भाग कर दें, तब भी ये अनुपात बदला नहीं है। तो अगर हम किसी अनुपात में कुछ गुना कर दें तो भी अनुपात नहीं बदलता, कुछ भाग कर दें तो भी अनुपात नहीं बदलता। तो 2 बराबर हिस्सों के बीच का अनुपात 1:1 होता है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक चीज ये होता है कि जब अनुपात के दोनों पद प्राकृत संख्या में हो तो वे परस्पर अभाज्य हो, ये दोनों अभाज्य हैं। मतलब जब दो अनुपात के दोनों पद, ऊपर वाला नीचे वाला, दोनों प्राकृत संख्या में हो, तो दोनों नेचुरल नंबर में है प्राकृत संख्या में, ऊपर भी प्राकृत संख्या नीचे भी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, और वो दोनों अभाज्य हों, ठीक है, ये दोनों अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसे केवल दो फैक्टर होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो सम भी होती है, इसके अलावा 3, 5, 7, 11 जो खुद के पाड़े में भाग होती हो या एक के पाड़े से भाग होती हो, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो जितनी भी तरह की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो अगर कोई ऐसा अनुपात है जिसमें ऊपर नीचे प्राकृत संख्या लिखी हो और वो दोनों अभाज्य संख्या जैसी हो, तो ऐसे अनुपात को सरल अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा अनुपात को सरल अनुपात, सिंपल रेशियो कहते हैं। जैसे 3/4 को कहें तो ये सरल अनुपात है, 6/7 को कहें तो ये सरल अनुपात है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज नोट करने लायक है कि जब हम दो संख्याओं का अनुपात निकालते हैं तो अनुपात निकालने में कोई भी उनके बीच में इकाई नहीं होती। तो जब भी हम कोई दो मदों का अनुपात निकालते हैं तो अनुपात में जो इकाइयां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो अनुपात की कोई इकाई नहीं है। तो नोट क्या हुआ कि अनुपात की कोई भी इकाई नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अनुपात हमेशा सजातीय राशियों का ही निकाला जाता है जो एक दूसरे के समान हो, ठीक है। तो इतनी चीजें जो हैं आपने पढ़ी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रश्न में कहेगा कि x को a अनुपात b के अनुपात में अगर बांटा जाए तो दोनों का हिस्सा कितना होगा। यानी कोई x है, इसको a अनुपात b के अनुपात में बांटा जाए तो ए का कितना हिस्सा होगा, यानी पहला भाग कितना हिस्सा होगा। तो पहले भाग का हिस्सा निकालने के लिए ये जो जिसको बांटना है ना उसको गुना कर देंगे ए बटे में इन दोनों के जोड़ से, ए प्लस बी से। और अगर वही दूसरा भाग निकालना हो तो हम एक्स को गुना कर देंगे बी से और भाग कर देंगे ए प्लस बी से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को किया जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ऐसी मान लो अगर तीन चीजें आ जाती हैं कि एक एक्स है, उस एक्स को ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप क्या करोगे कि पहला भाग यानी ए का भाग निकालोगे। तो पहला भाग निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि एक्स गुना ए का भाग है तो ए और बटे में तीनों का टोटल, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद, ऐसे करके निकाल लेंगे। ऐसे अगर दूसरा भाग निकालना हो
तो उसके लिए भी वही b अपॉन में मतलब x गुना b अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। तीसरा भाग निकालना हो तो x गुना में c बटे में a प्लस बी प्लस सी, ऐसे करके आप पता कर लेंगे। इसके अलावा जाते जाते दो चीजें और आपको जरूर सीख लेनी है। यदि एक थैले में x रुपए, y रुपए और z रुपए के नोट a अनुपात, b अनुपात, c के अनुपात में हो तथा नोटों की कुल मूल्य या कुल नोट इतने रुपए हो, तो x रुपए के नोटों की संख्या पता करने के लिए हम जो कुल रुपए होंगे उसे गुना कर देंगे x रुपए का जो अनुपात था बटे में, x रुपए को गुना कर देंगे पहले अनुपात x a, y रुपए को गुना कर देंगे b अनुपात से तो y b, और z रुपए के नोट को गुना कर देंगे c अनुपात z c, और तीनों को टोटल से भाग कर देंगे तो आपका x रुपए के नोटों की संख्या आ जाएगा। तो x रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात a गुना a का अनुपात बटे में x गुना a प्लस y गुना b प्लस z गुना c। ऐसी y रुपए का निकालना है तो ऊपर b आ जाएगा, और फिर वही सेम a गुना b बटे में x गुना a जमा y गुना b जमा z गुना c, और z रुपए के नोटों की संख्या पता करना है तो a गुना c बटे में x a प्लस y b प्लस z c होगा। ठीक है, संख्याएं a b c d में ऐसा क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाएं? तो अभिष्ट जोड़े या घटाए जाने वाला अंक, ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र से आप कैसे करेंगे, अगर ए बी सी डी चार संख्या दे देगा, कहेगा कि इनमें ना ऐसा क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए सभी में कि वो समानुपाती हो जाए, तो हम ना ऐसा करेंगे कि बीच वाला है ना बी सी, इसे घटाएंगे, इसे गुना करेंगे सॉरी, फिर घटाएंगे बाहर वाला तो ए डी, और भाग कर देंगे बाहर वाले का जोड़ और घटा अंदर वाले का जोड़। तो अगर ये संख्या प्लस आया, यदि परिणाम धनात्मक आया प्लस आया तो अंक जोड़ा जाने वाला ही होगा, और यदि ये माइनस आया तो अंक घटाया जाने वाला होगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।